आज मैं आपको रिनॉल्ट की न्यू क्विड 2019 के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट। नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर रॉकेट टेक्नो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकन में ऑल ऑप्शन को चुनें ताकि नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। न्यू रेनो कैट 2019, यह जानकारी रॉकेट टेक्नो यूट्यूब चैनल द्वारा दी गई है और विवरण बॉक्स में दिए गए हमारे ऑटो ब्लॉगर साइट लिंक पर जाकर अन्य वीडियो को देखें और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। अगले महीने रेनो के WID फेसलिफ्ट लॉन्च का मतलब अक्टूबर 2019 है। अपडेटेड के WID को अंदर से स्टाइलिंग बदलाव मिलेंगे। अभी के लिए BS4 इंजन के साथ बेचा जाना जारी रहेगा। रेनो इंडिया अपने भारी अपडेटेड के WID के परीक्षण के अंतिम चरण में है। हैचबैक की कीमत की घोषणा और बाजार में लॉन्च अगले महीने कुछ समय के लिए होगा। ताज़ा रेनो के WID को भारत भर में पहले ही टेस्ट में देखा जा चुका है। इसके बाहरी स्टाइल के अधिकांश तत्वों की उम्मीद है कि KWID के जरिए इलेक्ट्रिक कार को 2019 के शंघाई मोटर शो में पहले दिखाया गया है। KWID के जरी की तरह KWID फेसलिफ्ट में स्प्लिट हेडलाइट डिज़ाइन जैसे डिज़ाइन एलिमेंट्स मिलेंगे, जिसमें LED DRLs ग्रिल के पास और मेन हेडलाइट बम्पर पर नीचे की तरफ लगाई गई है। कार में टेल लाइट यूनिट्स में नए फ्रंट और रियर बम्पर, नए हब कैप और LED इंसर्ट्स भी मिलते हैं, जो इसे और अधिक आधुनिक रूप देते हैं। हालांकि भारत स्पेक के WID अपने पहियों के लिए 3 लेग नट्स के साथ जारी रहेगा, क्योंकि विदेशों में 4 यूनिट सेटअप के विपरीत है। कॉस्मेटिक परिवर्तनों के अलावा ताज़ा के WID में संरचनात्मक उन्नयन भी दिखाई देगा, जो आगामी क्रैश टेस्ट मानदंडों को पूरा करने में मदद करेगा, जो कि अक्टूबर 2019 से किक करने के लिए निर्धारित हैं। अंदर की तरफ ताज़ा किए गए के WID को भी बड़े बदलाव मिलने की उम्मीद है। मॉडल अपने डैशबोर्ड डिज़ाइन के लिए ट्विक्स को देखेगा और सबसे अधिक संभावनापूर्ण डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्राप्त करेगा, जो जल्द ही लॉन्च होने वाले ट्राइबर MPV पर उपलब्ध होगा। इसका मतलब है कि भारत स्पेक के WID टेकोमीटर के साथ आएगा, जो देश में मॉडल के लिए पहली बार है। इसमें बेहतर वायु प्रवाह के लिए पुनः डिज़ाइन किए गए AC वेंट्स की भी सुविधा होगी और इसे ट्राइबर पर देखा गया स्टीयरिंग व्हील यूनिट मिलेगा। इसके अतिरिक्त KWID के भी उसी प्रकार के इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ आने की संभावना है, जो एप्पल कापले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ पूर्ण है। यंत्रवत आगामी KWID फेसलिफ्ट 0.8 लीटर और 1.0 लीटर 3 सिलेंडर इंजन को ले जाएगा, जो वर्तमान KWID उपयोग करता है। पावर आउटपुट भी वैसा ही रहने की उम्मीद है, जिसमें 0.8 लीटर यूनिट 54 हॉर्स पावर और 72 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क बनता है, जबकि बड़ा 1.0 लीटर यूनिट 68 हॉर्स पावर और 91 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क पैदा करता है। गियरबॉक्स विकल्पों में 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड AMT शामिल होंगे, जिसे वर्तमान कार से भी ले जाया जाएगा। जबकि ताज़ा के WID मॉडल को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए BS4 अनुरूप इंजन के साथ जारी रहेगा। रेनो अप्रैल 2020 की समय सीमा के करीब BS6 कंप्लायंट इंजन पेश करेगा। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए इंस्टाग्राम के लिंक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो के बारे में पता चले आपको सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग रॉकेट टेक्नो यूट्यूब चैनल।